देखिए हिलाल, जो कल बयान आया अमित शाह का, उस पर रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन आया है तो महबूबा मुफ्ती का आया है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का आया है, पीएचईडी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर नहीं आया है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का अपने जो उनका अपना पर्सनल अकाउंट है उस पर आया है, सजाद गनी लोन का आया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे भी आया है और सजाद गनी लोन ने अपने अकाउंट से भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों का इनका ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं आया है, वो एक ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट आता है जो व्हाट्सएप किया है, उनका जाती ट्वीट नहीं आया है, लेकिन उनका बयान जो पार्टी की तरफ से वो जरूर आया है, पार्टी की तरफ से जो बयान आया। लेकिन उमर अब्दुल्ला, क्योंकि दुनिया में उमर अब्दुल्ला को ज्यादा लोग जानते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लोग उस पर भी बहस कर रहे थे। और अब अगर उस बहस को छोड़े तो जैसे ही उमर अमित शाह ने कल बयान दिया और बयान में उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने जो तीन यहाँ पे हुए जो बजट हुए उसमें हमने 50,000 करोड़ के करीब पैसा खर्च किया, आगे हमारा ये प्लान है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने विकास की बात की उसके साथ साथ हम आगे यहाँ करीबन 5 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी चीजें करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सारी चीजें लोगों ने सुनी, पॉलिटिकल लीडर्स ने सुनी। लेकिन इसके साथ ही क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं वो आना शुरू हुआ, क्रिटिसिज्म सबसे पहले सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं पे भी कोई बात बनती है तो सोशल मीडिया से ही निकल के आती है। तो सोशल मीडिया पे ये आना शुरू हुआ कि जहां पिछली सरकारों ने घपला घोटाला किया वो उसका रिएक्शन सरकार जाने, सरकार उसे किस तरह लेती है। लेकिन पिछले तीन बजट जो पास हुए हैं उसके दौरान जो पैसा खर्च हुआ है क्या वो जमीनी सतह पे खर्च हुआ है, क्या यहाँ 100% भी लोगों को पानी मिल रहा है, क्या यहाँ बिजली की वो कटौती नहीं है जो पिछली सरकारों में होती या उससे बदतर है, क्या हमारी सभी सड़कों पे पेट्रोल तारकोल वगैरह डाला गया है, क्या महंगाई पे कंट्रोल किया गया, ये सोशल मीडिया पे बहस चल रही थी और अमित शाह से बराह रास्त पूछा जा रहा था। और आज भी हम भी जिससे भी मिले शहर में तो उसका भी यही सवाल था कि ये कौन सा बयान है, उसने क्या है। अब जरा सियासतदानों का बयान देखते हैं, तो सियासतदानों के बयान में जब नॉर्मलसी की बात की गई, जहां अमित शाह जब नॉर्मलसी की बात कर रहे थे तो कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा था, ये लोग मुझे बता रहे थे कि नॉर्मलसी यही है। और उसके साथ साथ अमित शाह ये भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने अमित शाह के बयान पर रिएक्ट करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में अक्सर सरकार कहती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में कहती है कि हम नॉर्मलसी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, नॉर्मलसी रेस्टोर हो रही है, मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह महबूबा मुफ्ती का भी कहना कि दोस्त दबाव वाला जो मामला है उसके साथ साथ सजाद गनी लोन का कि नॉर्मलसी की टर्म जो है वो डिफाइन की जाए, उसके पैरामीटर्स क्या है, ये आम लोग शहर में पूछ रहे थे। क्योंकि बीजेपी वाले उन्होंने इसमें कोई रिएक्ट नहीं किया, उनका पूछना था कुछ, चूंकि कश्मीर के जो बीजेपी के लोग हैं उनका यही कहना था कि इस पे बात ही नहीं करनी है, ये बड़े लोग जाने। लेकिन ओवरऑल जो है इस वक्त कश्मीर में जो सिचुएशन बनती जा रही है, कश्मीर में सिचुएशन है और उस पर मरकजी वजीर का बयान, ये कहीं पूरा मेल नहीं खाता है। हाँ, विकास या डेवलपमेंट के लेवल पे कहा देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जो है पायदान उसमें जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि दाखला वजीर की जनब से ये भी कहा गया है कि जो मिलिटेंसी के बाकात है वो कम हुए हैं, और उनका ये भी दावा है डेटा के साथ, वो कहते हैं कि स्टोन पेल्टिंग भी बहुत कम हुई है, और ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जब हम एक आम कश्मीरी की जमीन देखते हैं, जो तहफ्फुज का एहसास किसी में पैदा होना, वो किस हद तक आप अभी लोगों में देख रहे हैं? देखिए हिलाल, एक चीज माननी पड़ेगी, और हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमें सही बात ग्राउंड की बतानी चाहिए ताकि सरकार उन पहलुओं पर गौर करे। क्रेडिबल अथॉरिटीज होती है, जर्नलिज्म होता है, जर्नलिस्ट होता है, तो इसके जो इसको सही ग्राउंड सिचुएशन अपनी सरकार को अपने लोगों को बतानी चाहिए। तो ग्राउंड में इस वक्त जो नॉर्मलसी की बात की जाती है, शायद नॉर्मलसी हो भी जाती, लेकिन सरकार के जो पुर्जे हैं वो उसको सही तौर पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ग्राउंड पे सही तौर पे लोगों को समझा भी नहीं रहे। अक्सर सरकारी दफातर में जब कोई आदमी जाता है, बड़ा साहब कभी भी वहां पे नहीं होता, या तो टूर पे होता है, या छुट्टी पे होता है, या मीटिंग में होता है। तो जब बड़ा साहब मिले ना, तो एक आम आदमी को उसका जो डेवलपमेंट की बात होती है वो कहां से कर पाएगा, वो कहां से मान लेगा कि सरकार एग्जिस्ट करती है, जब उसको कोई सेक्रेटरी ना मिले, कमिश्नर ना मिले, दूसरा आदमी ना मिले। हमारे सरकारी दफातर का ये हाल, और जब तक सरकार या जो यहाँ के राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, जब तक वो इसकी तरफ गौर करेंगे तब तक एक आम आदमी को सरकार बताना कि मैं हूँ, वो शायद हजम वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसका काम नहीं होता है। यानी जो एक्सेस है लोगों की, जब तक ना वो बड़े ओहदों पर